एक्चुअली प्रचार हो रहा है। अखिलेश यादव कुछ कर रहे हैं, रिएक्शन वर्कर्स और जनता तय कर रही है कि किस तरीके से वो ले रहे हैं इस बात को। जहां तक ट्रेंड का मामला है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ करके अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है, लोगों पे मुकदमे लगे हैं। यहाँ के पंचायत के चुनाव जिस समय देखे थे, उस समय क्या नहीं किया सरकार ने। इनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बन गए थे, जो चुनाव लड़ने वाले थे उनके पर्ची छीने गए। पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से गरीब माताओं बहनें जो फॉर्म भरना चाहती थी उनके कपड़े फाड़ दिए गए, साड़ी छीन ली गई। कोविड के समय पर देखा है लोगों ने कि किस तरीके से उनके परिवार के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाई नहीं मिली, बिस्तर नहीं मिला। अब भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। इन्हीं तारीखों के लिए जनता इंतजार कर रही थी, किसान इंतजार कर रहा था, व्यापारी इंतजार कर रहा था, नौजवान इंतजार कर रहा था। 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। तो चुनाव के शुरू होने में लगभग सिर्फ एक महीने का वक्त बचा है, लेकिन उस समय कोविड आ गया है, जिसके चलते 15 जनवरी तक सभी तरह की रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई। खाली 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। साथ में ये भी कहा गया है कि ऑनलाइन और वर्चुअल को भी प्रोत्साहन किया जाए। 15 जनवरी तक किस तरह से देखते हैं, जो क्योंकि समाजवादी के भी कई प्लान थे रथ यात्रा। इलेक्शन कमीशन ने जो शर्तें रखी उनके शर्तों का पालन होगा, और अगर वो तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि वो इन तारीखों का इंतजार कर रहे थे क्योंकि ये तारीखें बदलाव की तारीखें हैं। बिल्कुल, और विशाल हमारे सहयोगी हमारे